हेलो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स, इस बार जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि इस बार का जो विषय है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और एक्सक्लूसिव है, टीनेजर्स से रिलेटेड, और टीनेजर्स के बच्चों से रिलेटेड ही मैं आज आप सभी लोगों को बातें करने जा रहा हूँ। पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का एक अलग अलग लाइफ में, अलग अलग जो स्टूडेंट्स की उम्र होती है उसमें पेरेंट्स और स्टूडेंट्स का जो रिलेशनशिप्स होता है वो ग्रेजुअली हर स्टेज पर वो अलग तरीके का दृष्टिकोण से होना चाहिए। और ये स्वाभाविक है, ये नेचुरल है कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं, पेरेंट्स का उनके साथ अंडरस्टैंडिंग अलग, वे ऑफ टॉकिंग अलग, और सुझाव देना, प्रपोजल रखना, बात करना, ये हर एक जगह पर एक अलग तरीके की बॉन्डिंग और रिलेशनशिप्स में आता है। मैं ये भी आप सभी लोगों को, सभी पेरेंट्स को यहाँ पर ये टॉपिक इसलिए चुना हूँ और आप लोगों के साथ मैं ये साझा कर रहा हूँ कि पेरेंट्स स्टूडेंट्स को, जो उनके बच्चे हैं, उनको नर्सरी की तरह, नर्सरी में जब वो बच्चे थे और जब वो ट्वेल्थ में आए तो उनके मनोबल में, उनके मानसिक विकास में किस तरीके का चेंजेस आए हैं, और वो अपना एक 4 साल का बच्चा और जो 17-18 साल के कब में चेंजेस आते हैं बच्चे में, और ग्रेजुअली हर स्टेज ऑफ लाइफ में चेंजेस आते हैं उनके वे ऑफ थिंकिंग में, द वे ऑफ वॉकिंग, द वे ऑफ टॉकिंग, बच्चा हर एक तरीके से अपने अंदर बदलाव ला रहा होता है, उनके फिजिकल ग्रोथ हो रही होती है, उनका मेंटल ग्रोथ हो रहा होता है, वो सोसाइटी के साथ उठ रहे बैठ रहे होते हैं, उनको उसी दृष्टिकोण से उसको अपना, पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि उसी दृष्टिकोण से अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चे को नहीं मापना चाहिए, और उनको अलग अलग हर स्टेजेस ऑफ लाइफ के जो भी स्टेजेस हैं उसमें अलग एस्पेक्ट में उनको, उनका बिहेवियर और उनका डीलिंग अपने बच्चों के साथ अलग होना चाहिए। जैसे बच्चा जब छोटा होता है और वो स्कूल्स में, किंडरगार्टन में पहली बार स्टेप होता है तो उसका उसका थिंकिंग, उसकी साइकोलॉजी, उसकी पूरा डिपेंडेंसी जो बच्चे की होती है वो पेरेंट्स पर होती है, और पेरेंट्स उसको पूरा केटर कर रहे होते हैं, उसको पूरा सुबह से लेके शाम तक पूरा एक केयर टेकिंग चल रहा होता है, उसको मॉनिटरिंग चल रही होती है पेरेंट्स की, और क्योंकि वो एक फूल की तरह होते हैं, उनके साथ कैसा आचरण रखना है, कैसा बिहेवियर रखना है, उनको एक अच्छे एनवायरनमेंट में डालना है, उन पर कुछ समाज का दूसरा प्रभाव ना बचे उस चीज़ से बचाना है, ये सारा पेरेंट्स लोग देखते रहते हैं, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा केयर, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगती है। मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को देखता हूं और उनके पेरेंट्स से भी डिस्कशन सब मेरे होते हैं काउंसलिंग सेशंस में, और मैं जाता हूं तो मैं ये भी महसूस किया हूं कि आज भी बच्चे, या तो नॉर्मली जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं अपने करियर में और जो थोड़ा बहुत लैगार्ड होते हैं, उनके साथ अगर उनका थोड़ा सा पास ट्रैक को चेक करा जाता है तो कहीं ना कहीं पर मिस्टेक हो जाती है, या कहीं पर ओवर प्रेशराइज हो जाते हैं, या बच्चे कहीं पर कोई उनके साथ ऐसा एक्स्ट्रा केयर में डाला जाता है जिससे कि वो केज की तरह उनका विकास विकसित नहीं हो पाते हैं और उनका विकास नहीं हो पाता है। तो यही चीज़ सारे टॉपिक्स को कवर करते हुए पेरेंट्स को मार्गदर्शन देने के लिए, बच्चों को मार्गदर्शन, बच्चों का मानसिक विकास कितना अच्छा हो, शारीरिक विकास अच्छा खाने पीने से देने से सभी लोग करते हैं, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो बच्चे का होने लगता है और हर माँ बाप अच्छे से अच्छा उसको पोषण देता ही है, लेकिन अगर मानसिक पोषण अगर उसको पहले के स्टेज में और शुरुआती दौर में अगर बच्चों के साथ नहीं रखा जाए तो वो उसको पूरे लाइफ हैम्पर कर सकता है। जिस तरह से एक शारीरिक विकास भी ज़रूरी है तो वैसे एक मानसिक विकास भी ज़रूरी है, और उसमें बहुत अहम भूमिका और रोल जो होता है वो हमारे पेरेंट्स का होता है। और पेरेंट्स सबसे पहले तो स्कूल जो स्टार्ट होता है वो कहते हैं कि वो स्कूल घर है, अगर हमारे बच्चों का अगर लर्निंग है तो उसकी माँ, उसके पिताजी हैं, उसके साथ में जो भी रह रहे हैं गार्जियंस के रूप में,
है ना, इन लॉज के साथ में, या पेरेंट अपने फादर इन लॉ के साथ में या मदर इन लॉ के साथ में, है ना, बच्चा नाना नानी के साथ, दादा दादी के साथ ग्रो कर रहा है, तो वहाँ से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग देखें तो इसमें सबसे बड़ा बात है कि हम लोग किस एनवायरनमेंट में बच्चे को रखे हैं। एनवायरनमेंट नॉर्मली एक सभी के घर में अच्छा बेस्ट दिया जाता है अपने पेरेंट्स द्वारा, लेकिन खाली एनवायरनमेंट से मानसिक विकास नहीं होता है। जो कहते हैं कि अगर बच्चा का सक्सेसफुल है तो उस बच्चे के सक्सेसफुल होने में, उसके लाइफ में सक्सेसफुल होने में बहुत अहम भूमिका जो 17 18 ईयर्स का जो ग्रूमिंग है, स्पेशली द 13 टिल 13, वो भी एक बहुत बड़ा फाउंडेशन ले करती है उसके सक्सेसफुल होने में। और बच्चा कितना सक्सेसफुल होगा, कितना ग्रो करेगा, वो 13 1 3 एज तक बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन में, बहुत ही ज़्यादा सुदृढ़ रूप से उसको ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। और बच्चा जब 13 ईयर्स के बाद मूव करता है तो फिर वो 13 के बाद वो थोड़ा सा इंट्रैक्शन उसके सामाजिक में होने लगते हैं, वो स्कूल में एक उसके शरीर में परिवर्तन आ रहा है, उसके हार्मोन्स में परिवर्तन आता है और वो समाज में भी अलग तरीके से रिएक्ट करता है, बहुत चीज़ों के साथ उसके रिएक्शंस बदलते हैं, उसकी एक्टिविटीज़ बदलते हैं, उस समय पेरेंट्स को अलग तरीके से डील करना पड़ेगा। और जो शुरुआती दौर है बिफोर 13, उसको अलग रूप से ध्यान देना पड़ेगा। अभी WHO के द्वारा ये बोला गया है कि जो टीन एज है वो पहले, आज से 20 साल पहले टीन एज 13 से मानी जाती थी, लेकिन WHO के साथ द्वारा बच्चों का मानसिक विकास और बच्चों के अंदर जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस एट द एज ऑफ 9, अपनी 9वीं एज की उम्र में आने लगे हैं। वो 9वीं उम्र के एज में उसके अंदर वो विकसित होने लगा है, मेंटल लेवल उस लेवल से बढ़ने लगा है, उसका शारीरिक विकास या उसका बोलिए मानसिक विकास इस तरीके से हो रहा है। आज की क्योंकि फास्ट और फ्यूरियस एज है, इतना तेजाई से चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि बच्चों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में हम लोग वो अलग तरीके से ग्रैप कर रहा है। आज के समय में टेक्नोलॉजी एज है, मोबाइल फोन्स हाथ में है, इंटरनेट हाथ में है और टीवी हाथ में है और बहुत चीज़ों से वो एक्सपोजर हो रहा है, इतना कुछ कंटेंट बाहर घूम रहा है और वो हर तरीके का कंटेंट है जो बच्चों को, हम लोग के 20 साल पहले जब हम लोग थे तो हम लोग सोचते थे कि शायद ये हम लोग फैमिली के साथ नहीं देख सकते हैं या ये चीज़ डिस्कस नहीं हो सकती। आज वो बच्चों को जिस तरह से, जिस स्पेस से पूरा समाज घूम रहा है और जिस हिसाब से हम लोग उससे अछूते नहीं हैं, अपने बच्चों को भी नहीं अछूते रख पाते हैं, तो ये विकास उसके अंदर 9वीं अपनी उम्र के 9वीं उम्र से ही वो अपने साथ ये सारे डेवलपमेंट होने लगा है। इसलिए टीन एज अकॉर्डिंग टू WHO ये 9वीं उम्र से ही बोल दिया जाता है कि बच्चा आज की तारीख में उसका मानसिक विकास वो हो गया जो 20 साल पहले 13 साल से था। तो 13 एज और 13 से टीन काउंट होगा ऐसा कुछ नहीं है, अभी 9वीं क्लास से टीन एज काउंट होने लगी है और बच्चों को हम लोगों को 9वीं क्लास तक पहुंचते पहुंचते उस हिसाब से ट्रीट करना स्टार्ट कर देना चाहिए कि वो टीन एज के में। ये करेंट सिनेरियो मैं अभी स्पेशली जो मेट्रो सिटीज में है, जो B क्लास A टाउन्स में है, B टाउन्स में है, वहाँ पर उनके पेरेंट्स को ये समझ लेना चाहिए कि आज 9वीं क्लास का जो 9वीं उम्र में जो बच्चा है वो उतना विकसित हो चुका है, जो आज से 20 साल पहले बच्चे 13वीं में थे, 13 उम्र में थे और वो के एज पे वो जिस तरह से करते थे। तो मानसिक विकास में ये सबसे बड़ा फैक्टर आ चुका है। दूसरा, इसको आप डील कैसे करा जाए, इसमें डीलिंग हम लोग किस तरह से अपने आप को, पेरेंट्स को रखना चाहिए और बच्चों के साथ उस तरह से करने से उसका डेवलपमेंट अच्छा होगा और उससे वो ग्रो करे, उसके लाइफ लॉन्ग उसके करियर में उसको हेल्प मिले। इसके लिए हम लोग ने एक ये सोचा है कि जैसे कुछ कुछ उसके सुझाव हैं जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। जैसे
बच्चा जब हमारे साथ उठता बैठता, जब बच्चा था छोटा था, उसको मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग दौर में प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, केयर की ज़रूरत है, उसको अच्छे और सही में बुरे और संस्कार देने के लिए हम लोग हैं, कॉलेज में, स्कूल्स में, किंडरगार्टन में टीचर्स हैं, वहाँ पर वो उनको संस्कार दे रहे होते हैं, वहाँ से वो बहुत कुछ चीज़ पिक कर रहा होता है, लर्निंग हैबिट्स, लाइफस्टाइल, और व्हाट इज़ गुड रूटीन, व्हाट इज़ बैड रूटीन, ये सारे हमारे मॉरल साइंस वगैरह के सब्जेक्ट्स वगैरह में पढ़ाया जाता है। तो जब जब ये टॉपिक्स को वहाँ पे कवर कर रहे होते हैं, तो पहले वो एक सब्जेक्ट की तरह हुआ करता था, लेकिन आज के समय में इट हैज़ टू बी इन दी बच्चों को इस तरह से पेरेंट्स को स्पेशल ध्यान देना चाहिए कि वो एक सब्जेक्ट की तरह ना रहे, जो भी उसको क्लासरूम्स में पढ़ाया जा रहा है, या उसके पास वो सब्जेक्ट मॉरल साइंस में या सोशल साइंस में या अदर जो भी सब्जेक्ट्स में कवर होता है, जो मॉरल वैल्यू, सोशल सिविक्स वैल्यू में कवर होता है, वो चीज़ को माँ बाप को भी कहीं ना कहीं पे, क्योंकि दे हैव ग्रोन, दे हैव क्रॉस फ्रॉम दैट एज, वो चीज़ों को उन्होंने देखा है, वो काफ़ी सिंसियर हैं, वो काफ़ी मेच्योर हो चुके हैं, उनको पेरेंट्स को साथ में बिठा के बच्चों को वो किसी ना किसी तरीके से बच्चों को अनुभव देना चाहिए, और उनको अच्छे और बुरे के साथ में किस तरह से वो लोग आगे बढ़ सकें, उसके लिए वो उनको मॉनिटर करना पड़ेगा। बहुत सारे जगह पे आज की इतनी फास्ट लाइफ है कि हस्बैंड वाइफ दोनों ही पेरेंट्स दोनों ही वर्किंग हैं, तो उसमें आई थिंक इसमें हमारे घर के जो बड़े हैं, हमारे जैसे नाना नानी, दादा दादी, ये लोग बहुत अच्छा एक रोल प्ले कर सकते हैं अगर वो घर पे हैं। तो आई थिंक हम लोगों को, उन लोग पेरेंट्स को कुछ वैल्यूज़ वहाँ से भी बच्चों को मिलेंगी डेफिनेटली, क्योंकि उनने जब आपको, आपके पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स ने जब पेरेंट्स को इतना आगे बढ़ाया है, इतना डेवलप किया है, तो उन लोगों ने भी उतना उम्र अपना और आगे एक्सपीरियंस लेते चले हैं, तो वो ज़्यादा अहम रखेंगे किस तरह से अपने बच्चों को, जो उनके जो ग्रैंड सन है, ग्रैंड डॉटर है, उनको किस तरह से अपकमिंग और अपब्रिंगिंग में वो बहुत अच्छा अहम भूमिका रख सकते हैं। तो ये जो अपब्रिंगिंग है, इट्स नॉट ओनली रिलेटेड टू दी पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी की अच्छी पेरेंटिंग, पेरेंटिंग से पेरेंट्स अच्छे होंगे तो पेरेंटिंग अच्छी होगी, बट इट इज़ द इंटायर एनवायरनमेंट ऑफ द फैमिली। फैमिली कंस्टिट्यूट्स ऑफ द मेंबर्स दोज वर लिविंग। पहले के समय में सही बहुत सारी एक साथ हम लोग ज्वाइंट फैमिलीज की तरह रहा करते थे, तो कुछ दादा दादी, कुछ नाना नानी, कुछ चाचा चाची या मामा मामी से हम लोग सीखते थे, और हम लोग उसमें ग्रो किए और हम लोग उसमें आगे बढ़ते गए। लेकिन जैसे जैसे इंफॉर्मेशंस और चीज़ें और इतनी फास्ट हो रही हैं, तो आइसोलेट फैमिलीज में अब खाली पेरेंट्स रह गए हैं, और पेरेंट्स ने बेस्ट एजुकेशन देने के लिए उनको अच्छे अच्छे स्कूल्स में डाल दिया है, वहाँ पर टीचर्स हैं, वहाँ पर टीचर्स लोग उनको गाइड कर रहे हैं, संस्कार दे रहे हैं और चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जब भी पेरेंट्स घर पर आए, बच्चों के साथ कनेक्ट हो, शाम में, दिन में, दोपहर में, छुट्टियों के टाइम पे, महीने में, हफ्ते में, जहाँ पे भी उनको लगता है, जिधर भी उनको ये लगता है, वहाँ पर उनको उनके सब्जेक्ट्स को लेके साथ साथ में वो जो मॉरल वैल्यूज के साथ में वो अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि बेसिकली इट्स नॉट द सब्जेक्ट, बट एक्चुअली में सब्जेक्ट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसमें जो भी मॉरल वैल्यूज़ हैं, जो टीन एज की जो चीज़ें हैं, वो चीज़ें उनके साथ बैठ के डिस्कस करना चाहिए, और उनको किसी न किसी तरीके से बतलाना चाहिए और अनुभव कराना चाहिए कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, बट इट इज़ द एंटायर थिंग विच इज़ ग्रोइंग। मैंने जैसे आपको पहले भी बोला है कि अगर सक्सेसफुल बच्चा है, तो उसकी फाउंडेशन कितनी सक्सेसफुल है, कितनी तरीके से हुई है, ये बहुत बड़ी निर्भर करेगी। अगर यू वांटेड टू मेक योर चाइल्ड लिटरली ग्रो इन देयर लाइफ एंड सक्सेसफुल इन योर लाइफ, इन इन हिज और हर लाइफ, आपको उसकी फाउंडेशन पे बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। आइदर मदर और फादर, दे बोथ हैज टू सेक्रीफाइस सम ऑफ द टाइम एंड दे हैव टू सिट विद देम एंड मेक देम ग्रो, उस पर काम करना पड़ेगा। अब मैं टॉपिक पे आता हूँ और मैं आपको बताता कि जैसे कि पहले टीन एज वाला वर्ड था 13 से 17, ऐसा कुछ नहीं है, अब टीन एज 9th क्लास से स्टार्ट हो, 9वीं उम्र से स्टार्ट हो चुका है। तो वहां पर 9वीं उम्र का जो बच्चा है, वहां से टीन एज स्टार्ट हो चुका है, और अब 9वीं उम्र का बच्चा वो नॉर्मली अपना 4th 5th स्टैंडर्ड में आने लगता है, और उसको सब कुछ ज्ञात होने लगता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। तो पेरेंट्स को
चौथी पांचवी क्लास से ही स्टार्ट कर देना चाहिए अपने बच्चे को टीनेज की तरह समझते हुए, और वहां से उसको गाइड करना स्टार्ट करने, सो दैट एक्चुअली व्हेन दे कम इनटू 13, जब वो एक्चुअली में 13वीं साल में आएंगे और वो टीनेज को समझेंगे, तो मेरे ख्याल से और अच्छे से हैंडल कर पाएंगे, क्योंकि जो चीज 9 से ट्रिगर हो रही है उनके माइंड में, 9वीं साल में जब वो लोग बच्चों को ट्रिगर कर रहा है, तो 13 ईयर में वो ज़्यादा उसको तरीके से हैंडल कर पाएंगे और जा पाएंगे। नॉर्मली टीनेज में बच्चे बहुत सारे जो होते हैं, या तो बहुत ज़्यादा आपने देखे होंगे, मैंने ऐसा अनुभव किया है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा या तो बातूनी होते हैं, बहुत ज़्यादा बोल्ड होते हैं, बहुत बहुत सारे बच्चे इस तरह से आते हैं कि इनके अंदर गजब का कॉन्फिडेंस है, और वो कुछ भी किधर भी मतलब बात कर सकते हैं, देर इज़ नो हेजिटेशंस। उनके पेरेंट्स को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि उनने इतने बोल्ड बच्चे पैदा किए हैं, उनने बोल्ड बच्चे बनाए हैं अपने वहाँ पर, उनको कहीं पे भी डर नहीं, निडर है, क्योंकि कॉन्फिडेंस एक साहस और कॉन्फिडेंस ही एक है जो आपको हमेशा आगे लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस करने में मदद करता है। बच्चों को हम लोग अगर पहले दिन से कॉन्फिडेंट बनाए तो ये सबसे बड़ा एक बेस्ट पॉइंट होगा। सेकंड पॉइंट टीनेज में जब बच्चा बहुत सारा इस तरह का भी होता है कि आप देखे होंगे बहुत सारा गुमसुम है, चुपचाप रहता है, अपने में रहता है, किसी से बात नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं पे पेरेंट्स को ये ध्यान देना चाह रहा है, कहीं ना कहीं पे अगर बच्चा चुप है और वो आपसे बात नहीं कर रहा है या वो अपने में है, तो कुछ ना कुछ उसके साथ इस तरह से है कि उसका इन्वायरमेंट ठीक नहीं है, या कहीं पर आप ओवर प्रोटेक्टेड है, या कहीं पर उसको इस तरह से लग रहा है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, जहां पर वो खुल के आपसे बात नहीं कर पा रहा है, तो पेरेंट्स को आगे आना चाहिए। पेरेंट्स को वहां पर एक अपने बच्चे के साथ जो एक 9 साल से लेके 17 साल तक बच्चा जा रहा है, उसमें कंटिन्यूसली इंट्रैक्शन करना चाहिए। मैं तो ये बोलता हूँ कि एक फ्रेंड की तरह, आज का समय ऐसा है कि एक बच्चे को अपने फ्रेंड की तरह हम लोगों को साथ में जोड़ के रखना चाहिए, जिससे कि वो किसी भी बात को शेयर करने में झिझके नहीं, हेजिटेट नहीं करे। और अगर बच्चा कहीं ना कहीं पे, मैं सेकंड पॉइंट पे बात कर रहा हूँ, अगर बच्चा आपका कॉन्फिडेंटली आपसे बात नहीं कर रहा है, वो कोई बात आपके साथ में रख नहीं पा रहा है या शेयर नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप में कुछ कमी है, जहाँ पर आपने वो ब्रिज नहीं बनाया है, जहाँ पर वो कंफर्ट नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है आपसे बात करने के लिए। तो इसके लिए एक सुझाव मेरा है कि आप, जब बच्चा आपसे नर्वस है, आपसे बात नहीं कर पा रहा है या आपसे डिस्कस नहीं कर पा रहा है, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए उसकी डेली रूटीन की, जो भी रूटीन में जो काम कर रहा है या जो भी चीज़ें कर रहा है उसको चेकआउट करना चाहिए। उसको जैसे ही हम चेकआउट करेंगे तो वहाँ पे पता लगेगा कि शायद कहीं ना कहीं आप स्ट्रिक्ट हैं, कहीं ना कहीं पर आपने उसको ओवर प्रोटेक्टेड कर दिया है या किसी से बांध लिया है, तो बच्चा आपसे बात नहीं कर रहा है, आपसे डर रहा है। और देखिए, पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है। पहले के समय में बच्चा चुप रहता था, माँ बाप के सामने ज़्यादा बात नहीं करता था, बच्चे का एक एक लेवल, माँ बाप के बीच का डिस्टेंस था, पिताजी पिताजी हुआ करते थे और माँ माँ हुआ करती थी, तो माँ के साथ बहुत सॉफ्ट होते थे और वो बाप के साथ में पिताजी के साथ बाप होता करता था, और फिर उसके बाद वो उसके साथ उतने मतलब बाप, यानी कि मतलब एकदम विलन, और बाप की रिस्पेक्ट, मतलब शायद वो डर के मारे या वो कह रहे उस डर के कारण पिताजी से एक्सपोज नहीं होते थे, पिताजी अगर घर में हैं तो सब शांति से बैठे रहते थे, मे बी वो डर शायद रिस्पेक्ट का हुआ करता था या डर लगता था या जो भी चीज़ें, मतलब पिताजी की अपनी एक रोल था, वो उस समय का पैटर्न था जब इंडस्ट्रियल एज थी ना, मतलब आप समझ लीजिए कि आज से 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पर वो चीज़ें शायद उस समय डिसिप्लिन्ड और एक रोल हुआ करता था, रिस्पेक्ट बोल लीजिए या जो भी, वो उस तरह से वो एक गैप था। लेकिन जिस तरह से अगर आप बच्चे को जिस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में आप लेकर आए हैं और जो आज का करंट सिनेरियो है, वहाँ पर वो चीज़ नहीं चलेगी। वहाँ पर अगर आप गैप मेंटेन करेंगे तो जनरेशन गैप में काउंट हो जाएगा, आपका बच्चा आप ही से बात नहीं करेगा, आप दोनों की जब बात नहीं होगी तो एक मिसकंसेप्शन पैदा होगा, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होगी, और वो अल्टीमेट आगे चल के डाउन द लाइन वो आप ही के साथ एक बड़ा रूप में बन के कोई प्रॉब्लम आएगा, जो आप लोगों के बीच में गैप हो जाएगा, शायद वो आपको जब उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो, अभी आप भी यंग हैं और बच्चा छोटा है,
तो चलता है, लेकिन जब आपका बच्चा आज आपको नहीं समझ रहा है और अगर आप वो गैप को कंटिन्यूसली करते जाएंगे तो जो आप समझ सकते हैं कि अगर वो जब आपका बुढ़ापा, जब आप उस तरफ पहुंचेंगे तो वहां पर बच्चा आपके साथ ही नहीं होगा, वो आपको समझ नहीं रहा होता है, आपको वो किसी तरह से मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो शायद इमोशंस और चीज़ें हैं कि गैप ज़्यादा ना बड़ा हो जाए। इसलिए जब बच्चा अगर शांत है घर में, चुप है, आपसे बातें कम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं पर पेरेंट्स को एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए बच्चे के साथ ग्रूम में उतर जाना चाहिए और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ओपन डिस्कशंस में आना चाहिए। उसको आउटिंग कराइए, उनको घुमाइए, उनको जो अच्छा लगता है उनके साथ पहले उस रूट में आइए, फिर देखिए और अपनी बात शेयर कीजिए। ट्रीट देम एज योर पेरेंट्स, एज योर चाइल्ड, एज योर फ्रेंड, तब जाकर आप उसके साथ वो रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे। पहला पॉइंट मैंने आपको बोला, बहुत सारे बच्चे इस तरह से होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं। कॉन्फिडेंट होते हैं तो पेरेंट्स को मैं थैंक यू बोलता हूँ कि इस तरह से वो पेरेंट्स ने बच्चों को रखा है कि वहाँ पे कहीं पे भी शायद उनके घर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बच्चे को आज़ादी है हर एक चीज़ को करने की और वो हर एक चीज़ को कर सकता है और उसमें उनको कहीं पे भी झिझक नहीं, कोई डर नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट है। इसका एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा हो सकता है कि शायद ये कहीं पर अगर आप बिल्कुल ही उसको आज़ाद छोड़ दिए हैं, कहीं पे कस नहीं रहे हैं, तो डेफिनेटली वो कहीं आज़ाद मन का प्राणी ना बन जाए या कहीं आज़ाद ही ना हो जाए, आपको भी ना सुने, इस तरह का ओवर कॉन्फिडेंस में बच्चा ना जाए। उसके लिए भी आपको समय समय पे भी मॉनिटरिंग करना चाहिए, उस बच्चे को, उस पेरेंट्स को वहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पर उस लगे आपको कुछ ऐसी जगह पे वो कॉन्फिडेंस हो रहा है जहाँ पर मॉरली सही नहीं होना चाहिए या मॉरली ये बात सही नहीं है और वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा हो, झूठ बोलने पे वो कॉन्फिडेंस दिखा रहा हो और आप कहीं उसकी झूठ पकड़ लें, या कहीं पर भी उसको आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ इनकरेक्ट हो रही है, सोसाइटी में गलत मैसेज जा रहा है, तो आप उसको वहाँ पर उसके कॉन्फिडेंस को आप करेक्ट कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप उसके कॉन्फिडेंस को हिला दीजिए, अंदर से तोड़ दीजिए, मैं बोल रहा हूँ कि बेटा कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज़ है। आपको पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए कि पेरेंट्स एक तुम्हारा एक कॉन्फिडेंस एक अच्छा है, लेकिन कॉन्फिडेंस जब तक तुम सही हो और तुम्हारा काम सही है वहां तक ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है और उसके लिए कभी डरना नहीं। लेकिन अगर कोई गलत काम कर रहे हो या तुम कुछ एक चीट कर रहे हो और फिर उस पर तुम कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो, तो यानी कि तुम ये आपके ऊपर आ रहा है कि आप संस्कार क्या दे रहे हैं। तो इसलिए वो संस्कार को ना डेवलप होने दें, उसको वो गलत चीज़ पे कॉन्फिडेंस नहीं आने दें, उसको भी आपको करेक्ट करके उसको वहाँ पे करेक्ट करना हो। पेरेंट्स अगर कॉन्फिडेंस पे भी उसको करेक्ट कर रहे हैं और वो जहाँ पे वो साइलेंट है वहाँ पे भी अगर उसको करेक्ट कर रहे हैं और उसको, तो अगर समावेश 50-50 रहे और बैलेंस में रहे तो बच्चा बहुत अच्छा लाइफ में डेफिनेटली ग्रो करेगा आपका, और आपके टीनेज के जितने भी बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा उनका मन चंचल है, वो उससे भी ज़्यादा चंचल हैं जो नर्सरी क्लास में आप उसको भेजते थे, क्योंकि नर्सरी क्लास और किंडरगार्टन और जहाँ तक वो एक दो चार क्लास तक, एक दो तीन क्लास, एक दो क्लास तक रहता है, वहाँ पर आप उसको डांट से, थप्पड़ से, है ना, और आप दरवाज़ा बंद करके उसको रख सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बच्चा थोड़ा सा घर से बाहर निकलना, थोड़ा क्या बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है, जहाँ वो 5वीं 6ठी क्लास में पहुँचता है और उसके हाथ पैर मोबाइल फोन्स पे लगने लगते हैं और वो भी थोड़ा उसके अंदर अब धीरे 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 टीनेजर वाला रूप आने लगता है, तो वहाँ पर एक पेरेंट्स को अपने आप को उस मोल्ड से नहीं ट्राई करना चाहिए, उसको बिल्कुल क्लोजली वॉच करना चाहिए और उनको वहाँ पर एज अ फ्रेंड की तरह ही काउंसिल करें, तो जाकर बच्चा वहाँ पर आपका आपके साथ बना रहेगा। जिधर आपने 20 साल पहले का पिताजी और माँ बाप बनने की कोशिश की है तो बच्चा आपसे कट जाएगा, बिकॉज आप जो 80s और 70s की जो थ्योरीज थी वो आज के समय में काउंट नहीं करी जाएंगी, 90s की थ्योरीज काउंट नहीं करी जाएंगी, बिकॉज वी आर लिविंग इन 2020 नाउ, एज में जा रहे हैं। उधर वहाँ पर पेरेंट्स को उसी अंदाज में और 2020 के हिसाब से ही सारी ग्रूमिंग्स रखना पड़ेंगी बच्चों की, उनको हम लोगों को हर एक स्तर पे, इट इज़ नॉट ओनली रिलेटेड कि वो एजुकेशन की फील्ड में हो, उसको अगर हम लोग कोई अच्छे डांस क्लास में डाल रहे हैं या गिटार क्लासेस में डाल रहे हैं या स्पोर्ट्स में डाल रहे हैं, तो वहाँ पर भी हम लोगों को उसके वो सारे चीज़ों को समझते हुए उसको अपकमिंग और ब्रिंगिंग के लिए संस्कार देना पड़ेंगे।
और वी हैव टू मेक देम ट्रेंड कि देखो कि अगर हम लोग जिस तरह के लाइफस्टाइल को अपना रहे हैं और इस लाइफस्टाइल में अगर हम लोगों को जीना है, लेकिन अपने मॉरल वैल्यूज़ को नहीं घटने देना है, और लेकिन अपने अपन को किसी से भी कम नहीं रहना है और हम लोगों को किसी से कम नहीं रहना है, ये माँ बाप को बच्चों के सामने उनके दिमाग में बिठाना है कि यू हैव टू ग्रो, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट यू डू नॉट क्रॉस द टू मच लिमिट ऑफ द मॉरल वैल्यूज़, प्लीज मेक दी बैलेंस, बैलेंस बना के चलें, और उसको क्या सही है क्या गलत है इसका हर एक जगह पे ध्यान देने में, दिमाग में उसके बच्चों के बिठाते रहना पड़ेगा, एंड कीप गार्डिंग। और ज़्यादा गार्ड करने से भी, जब भी हम लोग किसी को ज़्यादा गार्ड करते हैं तो हमने भी मतलब देखा है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, वो हर एक चीज़ पे उसको लग लगता है कि हर जगह पे टोक हो रही है, हर चीज़ पे रोक हो रही है, तो उसके लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स देने के लिए मैं इनक्रेज करूँगा पेरेंट्स को। कि नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स जब भी देखते हैं, नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो उसको देखो, जब भी पेरेंट्स घर में आते हैं और वो अपने उस बच्चे की तुलना अपने दूसरे बच्चे के से करने लगते हैं पड़ोस में, कि देखिए वो दो सोसाइटी का जो तुम्हारा दूसरा दोस्त है वो देखो उसका क्या हाल है, वो कितना अच्छा करता है, और एक तुम कुछ करते नहीं हो। तो आप ये सब बच्चों को, जहाँ पर आप जिधर भी आप ये बात बोल रहे हैं, आप ये समझिए कि बच्चे को इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी नहीं करना चाहिए। उसका बच्चा जो अच्छा कर रहा है, आपके बच्चा अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसको शायद स्टेटमेंट को अपन लोगों को दूसरी तरफ से रखना चाहिए कि बेटा देखो कि ये जो आपका दोस्त है उसने कितना अच्छा किया था, अगर आप भी ऐसा करोगे तो आपका भी नाम बनेगा, आप भी बहुत अच्छा करेंगे, है ना। और मेरे को तो मालूम है कि वो जो कर रहा है वो उतना अच्छा नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप करोगे तो मैं तो जानती हूँ कि तुम उससे अच्छा करोगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो तो अगर वो ड्राइंग बनाता है तो वो तो ड्राइंग ऐसे भी बना के उसने नाम ले लिया, लेकिन तुम तो यार, तुम तो बचपन से बहुत स्वाभाविक रूप से बहुत अच्छी ड्राइंग बनाते हो, और ज़्यादा से ज़्यादा उसको आप कंस्ट्रक्टिव फीडबैक्स दीजिए, डांट के कंपेयर करके। अगर आप जिधर भी करते हैं, इसका साइंटिफिकली भी प्रूफ हुआ है कि जिधर भी बच्चे लोगों को अगर कंपेयर किया जाता है, तो एक बच्चा, मैं तो बोलता हूं कि पड़ोस के बच्चे से कंपेयर नहीं होना चाहिए। पड़ोस के बच्चे से कंपेयर तो करते ही करते हैं, लेकिन अगर एक बच्चों को अगर कंपेयर कर रहे हैं, तो आप अपने घर के भी दो बच्चे अगर आपके घर में, दोनों से मत कंपेयर कीजिए, दोनों बच्चे अपनी जगह पे अच्छे हैं, और याद रखिए वो आप ही के बच्चे हैं, तो उनका कंपेयर तो आप एक दूसरे के साथ मत कीजिए। प्लीज आप उसको, इसको अलग कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए, इसको कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, देखो वो अच्छा करती है, तुम कुछ नहीं करते हो, है ना, तुम हमेशा इसमें रहते हो, वो देखो उसमें ऐसा नहीं है। नहीं, हम लोगों को एक कॉम्पिटिटिव भावना डेवलप करवानी है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ कि एक को नीचा दिखा के और दूसरे को ऊपर उठा के, क्योंकि दोनों बच्चे आपके हैं। और यही फॉर्मूला और यही टेक्निक हम लोग पेरेंट्स को याद रखना चाहिए, जब वो टीन टीन स्पेशली टीनेज वाले बच्चों को, कि याद रखना चाहिए पेरेंट्स को कि वो दूसरे जो पड़ोस के बच्चे हैं या आजू बाजू के घर के सोसाइटी के बच्चे, उनसे कंपेयर ना करें, उनसे तो उनसे कंपेयर ना करें, और फिर अपने घर के कंपेयर नहीं, एंड आपको कंस्ट्रक्टिव मोड में ही उसको अपने फीडबैक्स को लेके चलना चाहिए। सेकेंडली, जब बच्चा आपका, जब बच्चों को फीडबैक आप देने की बात करते हैं, तो बच्चों को आप नॉर्मली एक पोलाइट और एक सजेशन रूप में आप उसका फीडबैक पुटअप करें। पहला, जैसे मैंने बोला, कंपेरेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा, अगर आपको सुझाव देना है तो आप उसको एक सजेशन की तरह दें। सजेशंस की तरह देने से, जैसे कि बच्चा है आपके पास आता है और वो बार बार किसी चीज को तोड़ देता है, उसकी तोड़ने की आदत है, और वो हमेशा वो कुछ भी चीज को लेकर फाड़ देगा, है ना। नॉर्मली ये आप देखते होंगे बच्चों को कि वो घर में बैठे हैं और कुछ भी फाड़ दे रहे हैं, या मान ली अच्छा खासा चीज है उसको तोड़ दे रहे हैं, है ना, और उनको कोई कुछ गम भी नहीं है, कोई फर्क भी नहीं, बच्चा छोटा है, चलो चलता है भाई, एक क्लास में, दो क्लास में, लेकिन जैसे जैसे 3 साल 14 साल में आता है, वो किसी के घर में जा रहा है वहां तोड़ दे रहा है। तो ये सब चीजों से बचाने के लिए आपको एक अच्छा सजेशन देना होगा, और उस बच्चे को सजेशन देते हुए उसको उसके दिमाग में बिठाना होगा कि ये आप जो काम कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, या वो उससे
उसको फर्क नहीं पड़ रहा है या उसको वो बताना पड़ेगा कि ये चीज़ गलत हो रही है। अब इसको सजेशन किस तरह से हो सकता है? सजेशन हो सकता है कि जैसे बेटा देखिए आपको ये तोड़ के क्या मिला, तो बोलेगा मज़ा मिला, तो आप कितना मज़ा लीजिएगा, सबको तोड़ दीजिएगा तो पूरा घर तोड़ दीजिए। तो उसको मज़ा लेने के लिए तो बेटा ये तुम्हारी चीज़ें नहीं बनी है, इसमें मालूम है आपको नुकसान कितना हो गया, ये शायद काम आ सकता था, हमारी चीज़ों पुरानी चीज़ों से हम यूज़ कर सकते थे, इसमें से आपने पूरा बर्बाद कर दिया। आप देखते होंगे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं घर ही में पूरा टूथपेस्ट लेके पूरा घर में फैला देते हैं, है ना। आप देखते होंगे कि अच्छे बड़े बच्चे हैं और ये कोई भी ऐसे घर में बस पेस्ट मिल जाए, कलर मिल जाए, फेंक देते हैं, तोड़ देते हैं। तो इन सब चीज़ों पे अगर थोड़ा सा स्ट्रेस करें और उनको समझाएं कि कंस्ट्रक्टिव, कि बेटा तोड़ने से अगर ये वापस चीज़ें आ जाएंगी और आप ये सोचेंगे कि जब भी आप मांगेंगे मैं ला दूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। पेरेंट्स को मैं बिल्कुल मना करता हूँ कि अगर वो जिस चीज़ की तोड़ रहा है तो वो तोड़ने की आदत उसकी जो है बहुत खलात हो रही है, वो किसी भी चीज़ की कदर नहीं कर रहा है इसलिए वो तोड़ रहा है। आपको उसको उस चीज़ की कदर करवाना सिखानी होगी। वो लाइफ में हर एक चीज़ को तोड़ने लगेगा क्योंकि उसे पता है तोड़ने से कुछ होता नहीं है, तो वो हर एक चीज़ पे तोड़ने में आतुर हो सकता है। ये भी आप आगे के फ्यूचर को देखते हुए पेरेंट्स को ध्यान रखना है कि चाहे वो किसी भी उम्र का बच्चा हो, स्पेशली टीनेज का बच्चा, उसके साथ में तो किसी भी तोड़ने फोड़ने की चीज़ों पर बिल्कुल उसको बिल्कुल कंसिडर करना है। बेटा कोई भी चीज़ें बड़ी आसानी से बन जाती हैं और 1 मिनट में टूट जाती हैं, बड़ी मुश्किल से भी बनती हैं। बनी रहने के लिए आपको भी बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है, बहुत जगह पे आपको कंट्रोल करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। वो चीज़ों को उनके सजेशंस में जाने से बच्चा एकदम कंट्रोल में रहेगा और आपको इस सजेशंस पे वो वाकई में उसके दिमाग में धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड यू हैव टू, मैंने फिर से बोला, सजेशंस भी कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, उसके चीज़ों से उसको रिलेट कराना पड़ेगा तब जाकर होगा। और फीडबैक्स जो होना चाहिए, सजेशंस, फीडबैक्स और कोई भी अपकमिंग के लिए से उसको उठाना है या बताना है, तो आपको जैसे अगर बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखता हूँ जैसे कि वो बैठा रहता है, टीवी देखता रहता है, कुछ नहीं करता है, यहाँ टाइम पास किया, वहाँ टाइम पास किया, है ना, दिन भर खेल खेल के गुजार दिया, दिन भर मोबाइल फ़ोन में है, ये सारे फीडबैक पीछे से अगर उसके कान में जाते रहेंगे तो एक दिन क्या होगा, जब आप ये बजाते रहेंगे और उसको आप समझाएंगे नहीं कि ये क्यों बोल रहे हैं आप, तो वो एक दिन आपका दरवाज़ा, अभी तो कोरोना के चलते घर में बैठा, लेकिन जिस दिन कोरोना ख़त्म होगा वो कोरोना से भाग जाएगा यहाँ से, क्योंकि आपको मालूम जैसे ही वो घर में घुसेगा वो पिताजी चिल्लाना स्टार्ट करेंगे, कुछ नहीं करता है, किताब भी नहीं खोलता है, बैठा रहता है, टीवी देखता रहता है, इधर उधर फ़ोन पर टाइम पास करता रहता है। तो इसमें मैं एक बात बोलूंगा कि आप ये चीज़ करना बंद कर दें, पेम्पराइज, ज़्यादा सजेशंस कंटिन्यूसली उसके पास जा जाकर उसको फीडबैक देना मुझे नहीं लगता कि वो इट विल हेल्प यू एनीवेज। हाँ, आप एक दिन भर में एक बार उसके साथ 5-10 मिनट एक क्वालिटिव टाइम बिताएं और उसको एक पास ऑन कर दें कि इसको करना है, और फिर वो अपने हिसाब से करेगा। और कंपैरेटिव में तो जाना ही नहीं है, मैंने आप बहुत सारे उदाहरण दे दिए उसके लिए, उससे भी एक गलत इम्पैक्ट पैदा होता है, हीन भावना पैदा होती है बच्चों की कि मैं किसी लायक नहीं हूँ। और लास्ट में एक बात मैं बोलता हूँ कि बच्चे को जब अपन लोग एक फीडबैक की बात करते हैं या किसी चीज़ की सजेशंस की एक बात करते हैं, तो उसमें हम लोगों को उनको जो भी फीडबैक दे रहे हैं और जिस तरह से भी दे रहे हैं, उस फीडबैक में आपको एक ध्यान देना होगा कि उसके साथ आप एक फीडबैक इस तरह से दें या सजेशन इस तरह से दें जिससे कि उसकी लाइफ में क्या इम्प्रूवमेंट होगा, वो समझाना पड़ा, वो समझाना बहुत जरूरी, वो बीज देना बहुत ज़रूरी है, वो दिमाग में जिस दिन वो सीड इट विल गेट कल्टिवेटेड इन साइड द माइंड, वो वहाँ पे बैठ जाएगा जैसे उसके दिमाग में, तो वो डेफिनेटली एक अच्छे पर्सपेक्टिव पे जाएगा, एक अच्छे लेवल पे जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे अगर बच्चा घर में बैठा है, टाइम वेस्ट कर रहा है और वो दिन भर अपना फ़ोन में लगा रहता है, या मान लीजिए दिन भर अगर वो एक सो के गुजार रहा है, या बस इधर बैठा उधर बैठा कर जा रहा है, आपको पता है कि वो उस दौर उसने पढ़ना था, उसने 1 घंटा पढ़ लिया, 2 घंटा पढ़ना था, 2 घंटा पढ़ लिया, लेकिन अब उसके बाद भी वो यहाँ वहाँ बैठा हुआ है, समय बर्बाद कर रहा है ना। तो उसको हम लोगों को, पेरेंट्स को या अपने जो भी आपके
बच्चे हैं उनको वहाँ पर कंस्ट्रक्टिवली जाकर बैठना चाहिए और उनको सजेशन देना चाहिए कि अगर ये समय आपके पास, जैसे आप मान लीजिए 4 घंटा बच्चों को बात करें, 4 घंटा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो जो बाकी के जितने घंटे बचते हैं उसमें टीवी 1-2 घंटा देख लीजिए, 1-2 घंटा मोबाइल पे काम कर लीजिए। और मैं देखता हूँ कि अगर आप मोबाइल पे फ़ोन पे ही काम कर रहे हैं तो क्यों ना कुछ तुम्हें ऐसा काम करो कि मोबाइल फ़ोन से कुछ सीख लो, या आपके पास कुछ ऐसा तुम्हारा क्या हॉबी है तो वो बोलता है कि मेरा ड्राइंग का हॉबी है या पेंटिंग का हॉबी है, या उसका आप बेहतर समझ रहे हैं कि उसकी क्या हॉबी है, तो उस हॉबी को आप उसकी कोई क्लासेस में ज्वाइन करा दीजिए। कि क्योंकि आज के समय में तो ऐसा नहीं है कि स्पोर्ट्समैन का कोई करियर नहीं है, म्यूजिशियन का कोई करियर नहीं है, आज के समय में किस चीज़ का करियर नहीं है, हर एक चीज़ में, हर एक फोटोग्राफी से लेके मोबाइल फोन से लेके डांसिंग से लेके हर एक जगह पे करियर है। हर एक हमारे हमारे इंडिया में ये पैटर्न बहुत लेट शुरू हुआ है, लेकिन फॉरेन में तो स्पोर्ट्स को एक एक अपना एक सब्जेक्ट लेके आगे बढ़ते हैं। तो अगर स्पोर्ट्स में उसका मन है, खेलने कूदने में बहुत मन है, तो तुम्हें क्या खेलना कूदना है, तो बोलेगा कि मुझे कबड्डी खेलना अच्छा लगता है, बोलेगा मेरे को थ्रो बॉल खेलना अच्छा लगता है, तो बोलेगा मेरे को कहीं बास्केटबॉल खेलना, तो प्लीज़ उसको बास्केटबॉल की का एक किट ला दीजिए, घर ही में पहले उसको प्रैक्टिस कराइए, देखिए उसका कितना दिन तक वो चीज़ को वो फॉलो कर रहा है पैशन को, फिर उसको एक अच्छी एकेडमी ज्वाइन करा दीजिए। और मेरे मेरे साथ बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो स्कूल्स के बाद जो बच्चे ऑक्यूपाइड करना चाहते हैं अपने को स्पोर्ट्स के प्रोग्राम में, म्यूज़िक के प्रोग्राम्स में, डांस के प्रोग्राम में, अदर एक्टिविटीज़ के प्रोग्राम में, तो ऐसे बहुत सारे टीचर्स मेरे पास हैं। और एक से एक टीचर्स हैं जो बच्चों को बोलते हैं कि वो उनके उनको हैंड ओवर करो तो उनकी टैलेंट को भी रिकोगनाइज हो सकता है। सबसे बेस्ट उदाहरण क्या है कि अगर हमारा रांची को जो पहचान मिली है वो MS धोनी के कारण मिली है, इससे बड़ा पहचान और टैलेंट को स्पोर्ट्स को माँ बाप को क्या समझाऊँ मैं इससे ज़्यादा, कि बच्चा अगर खेलने कूदने में ही अच्छा कर रहा है और पढ़ाई में ठीक है तो आप प्लीज़ संतुष्ट रहें और अपने बच्चे को उसको हो सकता है कि वो नेक्स्ट धोनी हो, तीरंदाज हो, है ना, नेशनल लेवल ओलंपिक लेवल तक लोग जाते हैं। तो उसका इंटरेस्ट को देखिए और उसको सजेशन दीजिए उसके खाली समय में। ज़रूरी नहीं कि वो आइंस्टाइन बनेगा तभी वो टॉपर बनेगा तो IIT IIMs में जाएगा तभी उसका करियर बनेगा। मेरे को नहीं लगता कि ये एक इट इज़ सक्सेसफुल होने का ये बहुत बड़ा मंत्र है। उसका जिसमें अच्छा लगे, जिसमें उसका पैशन है, उसको प्लीज़ उस पैशन को उसको सजेशन के रूप में उसके दिमाग में बैठा दीजिए कि बेटा जिधर भी आपका फ्री समय बच रहा है उस फ्री समय को आप उठा के उसके पैशन में लगा दीजिए और उसको बोलिए कि इसमें परस्यू करिए, तो उसका समय भी बर्बाद नहीं होगा, प्लस आप भी देखेंगे कि वो ग्रो कर रहा है, दूसरा उसको भी आपके साथ एक रिलेशन मिलेगा क्योंकि जो उसको एक्चुअली चाहिए था वो उसको मिलने लगा है। मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, मैं सही बात एकदम हकीकत बात बता रहा हूँ और ये 200% सच बात है कि मेरे पास एक स्टूडेंट आया था, आज से 3 साल पहले की बात है, 2-3 साल पहले की बात है। वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा था, वो कैसे मतलब वो अपना सब कुछ अच्छा पढ़ता था, लेकिन बस उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, वो मैथ से बहुत घबराता था, मैथ से बहुत घबराता था और वो मैथ्स में ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाता था और उसके कारण वो काफ़ी फेल भी हो गया। तो उसको मैंने वर्कआउट उसके पेरेंट्स के साथ डिस्कस किया कि ऐसा क्यों, पेरेंट्स ने बताया कि उसके साथ ऐसा है कि शायद उसके जो बचपन में जब वो जो स्कूल में डाले वहाँ पर पढ़ाई में तो वो शुरू उसके CBSE बोर्ड का स्टूडेंट है और पढ़ाई में बहुत अच्छा है वो, लेकिन मैथ्स में ऐसा क्या डर बैठ गया कि वो मैथ्स सॉल्व ही नहीं कर पा रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो बोल रहा है कि उसकी जो जहाँ पर स्कूलिंग हुई थी और हम भी थोड़ा बिजी थे, उसकी मैथ्स टीचर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी और उसकी मैथ्स टीचर इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी कि उसको मैथ्स टीचर से बहुत डर लगता था। मैथ टीचर का इतना डर बैठा कि उसने उस सब्जेक्ट्स में ही दिल चुराना स्टार्ट कर दिया, वो पढ़ना पढ़ के नहीं जाता था, हम भी इधर घर से पढ़ा नहीं पाते थे, उसको और डांट पड़ती थी, वो इतना ज़्यादा सप्रेस हो गया, जैसे तैसे करके वो पास हुआ। और ट्रूली पेरेंट्स की वो जो स्टूडेंट था वो वाकई में एक बहुत अच्छा कारीगर है, उसकी ड्राइंग्स इतनी अच्छी हैं, अभी तो बहुत बड़ा हो गया है, उसके एनिमेशंस, उसके वीडियो ग्राफिक्स, उसकी चीज़ें इतनी शानदार बनाता है, वो ड्राइंग्स में जब बनाता था
तो जब मैंने उसको देखा, उसके पेरेंट्स को मैंने समझाया इसको ज़रूरी नहीं इंजीनियर बनवाओ, इसको आपको इंजीनियर बनाना कि क्या करवाना है, अगर मैथ्स क्यों करवा रहे हैं, मैथ्स इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि इसे इंजीनियर बनवाना है। तो मैंने कहा जब तुम्हारा बच्चे को इंजीनियर बनने का मन नहीं है, आपके बच्चे को मैथ्स पसंद नहीं है, इंजीनियरिंग वो कर नहीं पाएगा, आप क्यों नहीं इसके पैशन के लिए और उसके फोकस करते हैं। तो बोलता है सर क्या कर सकता है, कुछ नहीं, दिन भर बैठा रहता है ड्राॅइंग करता रहता है। हैं, तो मैंने बोला कि सर आप ड्राॅइंग को क्या मजाक समझते हैं, ड्राॅइंग को और ग्राफिक्स को आप मजाक समझते हैं, आज देखिए पूरा हॉलीवुड बॉलीवुड है, पहले तो हॉलीवुड अब तो बॉलीवुड, आजकल टोटल हर एक चीज़ पर ग्राफिक्स की ज़रूरत है, डिज़ाइनिंग्स की ज़रूरत है, ये अपने में कितना बड़ा करियर है, ये अपने में कितना बड़ा उद्योग है, ये खुद का भी कुछ कर सकता है, इसको कितने रिकमेंडेशन बड़ी बड़ी IIT कंपनी में, आप IIT से आराम से बच्चों को कहाँ पर भेजेंगे जॉब में, वही इन्फोसिस सत्यम विप्रो। मैं बोलता हूँ अगर आपका स्किल सेट बहुत तगड़ा हो जाएगा ये बच्चे का, अगर हम इसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्सेज में डालें और ये BSc एनिमेशन जैसे कोर्सेज को करता है और ये अपना करियर को टेक ओवर करता है, तो आई थिंक वो वहाँ पे कंपनी को छूना बहुत आसान, बहुत मुश्किल काम नहीं है, और ज़रूरी नहीं IIT के लिए जाए, वो इस रास्ते से भी डायरेक्ट अप्रोच करेगा, वहाँ पे बहुत इसको सरे हाथ खड़े खड़े ले लिया जाएगा। एंड ट्रस्ट मी पेरेंट्स, उस टीनेज के बच्चे को जब हम लोगों ने मोल्ड किया और हम लोगों ने पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करी, और आज भी वो पेरेंट्स मेरे साथ में हैं, मेरे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, वो शायद मुझे सुन भी रहे होंगे, उस बच्चे के अंदर गजब का रिस्पॉन्स है, वो बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, उसकी तीसरी जॉब लग चुकी है, उसने अपना ग्रेजुएशन भी अभी ढंग से कंप्लीट नहीं किया है कि उसको इंटर्नशिप मिल गई है, बॉम्बे बैंगलोर की कंपनी से उसको ऑफर्स हैं एज ए इंटर्नशिप्स करने के लिए। तो ये चेंजेस आते हैं अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को सही से समझें और उसको सही से अपकमिंग करें, बिकॉज मैंने बताया कि पेरेंट्स का पेरेंट्स हर पेरेंट्स अच्छा चाहता है, कहीं ना कहीं पर उसकी ओवर प्रोटेक्शन या उसका एक बच्चे को केयर करना, कहीं वो उसके लिए केज ना बन जाए कि वो खुद में ही ना ग्रो कर पाए, उसको हर एक चीज़ में, आप तो थोड़े दिन बुढ़े हो जाएंगे, आप जब बुढ़ापे की ओर जाएंगे जिंदगी दुनिया से लड़ना उसी को है और दुनिया के सच फेस उसको करना है, तो अगर आप उसको ओवर प्रोटेक्शन में रखेंगे, उसको हर पल पल पर डांटेंगे, हर एक जगह पर आप उसको गार्ड करेंगे, तो वो आपका सारा कब तक लेगा, फिर जब आपको एक्चुअली में उसको एक आप बनाना चाहते हैं उसको सुल्तान, लेकिन वो है कुछ भी नहीं, बन भी नहीं पा रहा है, कर भी नहीं पा रहा है, तो वहाँ पर आपका फेलियर होगा, आप ही का नुकसान होगा। इस चीज़ को करेक्ट करते हैं, करने के लिए जो सुझाव मैंने दिए हैं आप प्लीज़ इस सेशन में उसको हमेशा अपने बच्चों के दिमाग में रखें, और टीनेज के बच्चे जितने भी हों राइट फ्रॉम द एज ऑफ जब वो स्टप कॉलेज के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा किंडरगार्टन ख़त्म करता है और तीसरी चौथी क्लास में आने लगे, प्लीज़ वहाँ से बच्चे को हैंड होल्ड कीजिए, डोंट वेट फॉर 13 कि वो 13 का होगा तभी टीनेज होगा, ऐसा कुछ नहीं है, है ना। 9th स्टैंडर्ड से ही वो 9वीं क्लास के 9वीं उम्र से ही वो टीनेज में आ जाता है, और वहाँ से वो उसको वहाँ से आप गार्ड कीजिए, और बच्चे को कॉन्फिडेंट बनाइए, लेकिन कॉन्फिडेंट के साथ साथ में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो कि वो गलत और सही की पहचान में कॉन्फिडेंस ना दिखाए, उसको जहाँ पर गलत है तो वहाँ पर उसका कॉन्फिडेंस सही नहीं होना चाहिए, वहाँ पर वो झुक के सलाम करे, झुक के एक्सेप्ट करे, ये थोड़ा सा उसके अंदर एक आदत आपको डलवाना चाहिए, गलती जहाँ पर वो एक्सेप्ट करे, कॉन्फिडेंट बच्चा। दूसरा कि बच्चा अगर आपके घर में अगर वो नर्वस है, डिप्रेस स्टेट में जा रहा है, चुपचाप रहता है, तो प्लीज़ उसको वहीं पर करेक्ट कीजिए, आप आगे बढ़िए, बच्चे के साथ एक हेल्दी रिलेशन लीजिए, वो प्रॉब्लम को डिग आउट कीजिए कि कहाँ पर ये चीज़ इसके अंदर आ गई है, जहाँ पे वो चुप है, गुमसुम है, मुझसे बात नहीं कर रहा है। ये ऐसे ही बच्चे जो ज़्यादा चुप रहते हैं, गुमसुम रहते हैं, वो एक दिन सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ भी अप्रोच हो जाती है उनके, तो उस बच्चे को ज़्यादा अकेले मत रहना है। माँ बाप अगर आप अपने दुनियादारी में इतने ज़्यादा बिजी हैं, प्लीज़ दिन भर में एटलीस्ट 2 घंटा सारा काम छोड़ के उनके साथ बैठिए, कभी उनकी किताब लेके बैठिए, कभी उनका फेवरेट म्यूज़िक बुक्स लेके बैठिए, कभी उनके फेवरेट मूवी लगा लीजिए साथ में बैठ के, और उनके साथ इंटरेक्शन कीजिए। कुछ नहीं है तो अगर लाइट बिजली पानी नहीं है आपके गांव मकान दुकान में कहीं पे भी, तो प्लीज़ एक बढ़िया से छत पे जाके चटाई बिछाइए और बच्चों को बिठाइए माँ बाप को, और वहाँ पर जाकर बैठें और वहाँ पर डिस्कस करें, है ना, और आपस में कहानियाँ किस्से
कुछ भी डिस्कस करें, सारा ऑफिस का टेंशन को अलग कीजिए, अपने अपने कामों को अलग कीजिए और बच्चों के साथ में बैठिए। तो पहला, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चों में। राइट और रॉन्ग जो उसके अंदर है उसको पता होना चाहिए, उसको पहले 9वीं उम्र से ही स्टार्ट कर देना चाहिए बच्चे को कि व्हाट इज़ रॉन्ग व्हाट इज़ राइट, एंड उसके लिए आगे जिसके अंदर संस्कार पड़ेंगे। तीसरा, स्पेंड क्वालिटी टाइम एटलीस्ट हाफ एन आवर, मिनिमम हाफ एन आवर फॉर इन अ हेक्टिक शेड्यूल, एंड जब आपके पास हॉलीडे हो तो 2 आवर्स उनके साथ अच्छा समय बिताइए जिससे कि आपके रिलेशनशिप एक डेवलप हो बच्चों के साथ में। तीसरा उसको, चौथा उसको हमेशा एक क्वालिटी और अच्छा फीडबैक दीजिए, कीप ऑन, डोंट कीप ऑन नैगिंग नैगिंग नैगिंग, उसको बोलते रहना नहीं है कि हर बार पे मैंने आपको बताया है, उसको हमेशा एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दीजिए। दूसरा, उसको आप नेगेटिव कंपैरेटिव चार्ट नहीं बनाइए उसके साथ में, पड़ोस के बच्चों के साथ में, आप अपने बच्चों के साथ में भी कंपैरेटिव चार्ट मत बनाइए। आपके 2 बच्चे हैं तो उसमें कंपैरेटिव चार्ट बनाइए, आप उसको इंडिविजुअली एज अ इंडिपेंडेंट मेंबर की तरह काउंट कीजिए और उसको एक जिम्मेदारी की तरह दीजिए। चौथा, उसको हर एक जगह पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज देना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी को फेस करने के लिए उसको छोटे छोटे कामों में इन्वॉल्व करिए, जहाँ पर वो अपना जाए और चीज़ों से लड़े और चीज़ों को देखे कि ये कैसे हो रहा है। सारा काम पेरेंट्स ना करें, उसको छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में रहें, तो ये भी एक उसको जब वो मार्केट में जाएगा, लोगों से बात करेगा, कहीं पे भी खड़ा होगा, तो उसके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस लेवल जागरूक होगा, क्योंकि अल्टीमेट बड़े होकर उसको तो सब कुछ संभालना ही है, तो ये वाला भी रहेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पेरेंट्स हमेशा, आज के समय इस तरह का है कि हमारा बच्चा अब 2090 के दशक की तरह है ना, ये बच्चा आई एम सॉरी 2019 की तरह ये बच्चे को नहीं गाइड गाइड करा जा सकता है। इट हैज़ टू बी ट्रीटेड, उस बच्चे को आज 2020 के 2020 के हिसाब से ही हम लोगों को इस डिकेड को देखना होगा। 2019 के हिसाब से आप अगर उसको टारगेट कर रहे हैं, 2018 के हिसाब से टारगेट कर रहे हैं, तो आई थिंक 80s के टारगेट कर, 90s की टारगेट कर रहे हैं, तो आई थिंक आप हमारे साथ में कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग, और उस बच्चे को सही दिशा में नहीं ले जा पा रहे हैं। एंड एनीवेज, आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मेरे कुछ सेशन अच्छे लगे होंगे, उसके लिए थैंक यू। और आप हमसे हमेशा मिलते रहें, आप हमको कुछ भी दिक्कत हो अपने पेरेंट्स अपने बच्चों से रिलेटेड, आप प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, एंड यू कैन राइट मी ऑन माई फेसबुक पेज एज वेल, और मैं आपसे हमेशा मिलता हूँ और हमेशा मिलूँगा। और आपको कभी भी कुछ है तो आप मेरे से टाइम ले सकते हैं, मैं आपको उसमें भी आपको गाइड कर दूँगा। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। थैंक यू, बाय बाय।